आज मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपने पति को तलाक दे रही हूँ तोहफे में। उनका पता नहीं मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने ये शादी बहुत अरमानों से की थी, बहुत सपने थे मेरे और मेरे पति ने इसलिए की थी क्योंकि उनके घर वालों को लगता था उनको बिगड़ायल बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, चेंज आ जाएंगे। आए हैं ना चेंज। शादी से पहले वो सिर्फ पी कर आते थे, अब तो हाथ भी उठाते हैं। मेरे पिछले सालगिरह पे उन्होंने बिना वजह पता नहीं क्यों मुझे इतना मारा कि मैं इस जगह जगह पे मारा कि मैं डॉक्टर को भी बता दें इससे शर्मा रही हूँ। और माँ कहती है ये चलता है, मियाँ बीबी का है। मैं पूछना चाहती हूँ जब आपका खुद का बेटा आपसे नहीं संभलता आप किसी और की जिंदगी क्यों खराब करते हैं। और गलती मेरे माँ बाप की भी है, उन्होंने लड़के का बंगला देखा, घर देखा, सरकारी नौकरी देखी, पर किसी ने यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। बेटी राज करेगी हमारी, कर रही है राज। आपने ये सुन लिया, एक बहन का एक बेटी का दर्द, उसकी कहानी। हालांकि ये वीडियो है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ऑडियो सुनाया। यही हमारे माशरे का, हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का सच है, हकीकत है। लड़का आवारा है, अरे उसकी शादी करवा दो। माँ बाप से बदतमीजी करता है, अरे उसकी शादी करवा दो। नशा करता है, जुआरी है, अरे उसकी शादी करवा दो। बात करने का लहजा नहीं है, चिड़चिड़ा है, दिमागी मरीज है, बदतमीज है, अरे उसकी शादी करवा दो। उसकी बीवी आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्यों लोग पहले अपने बेटों को नहीं सुधारते, दूसरों की बेटियों की जिंदगियां क्यों खराब करते हैं? अरे वो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। और अगर ठीक नहीं हुआ तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद। फिर लड़की के मां बाप, बहन भाई लड़की से कहते हैं कि बेटा यही थी तेरी किस्मत, इंतजार करो अच्छे वक्त का, सब्र रखो, एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नसीहत करके सब अपने अपने कामों में मगन हो जाते हैं और वो लड़की बेचारी अपनी तकदीर के सहारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। फिर वो औलाद के जवान होने का इंतजार करती है कि वो कब बड़ी होगी और कब उसकी कद्र होगी, कब उसकी सुनी जाएगी, कब उसकी इज्जत होगी। आखिर ऐसा क्यों है? लड़कियां ही हर बात पर कुर्बानी क्यों दे? क्या कभी किसी लड़के ने किसी आवारा लड़की से, किसी राह चलती लड़की को अपनी इज्जत बनाया है? क्या लड़के का जमीर गवारा करता है कि उसकी बीवी उसकी मौजूदगी में किसी और से मिले या बात करे? अगर नहीं तो खुदा के वास्ते, खुदारा, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। उसके भी कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होते हैं। शौहर चाहे यानी भले गरीब क्यों ना हो, मगर उसका उसकी इज्जत करने वाला हो और मेहनती हो। यह हकीकत है कि शादी का बंधन बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ जिम्मेदारी और फराइज से भी भरा हुआ है। जब एक लड़का एक लड़की उस रिश्ते से मुंसलिक होते हैं तो दोनों फरीकैन उसके तकाजे इंतहाई जिम्मेदारी और दयानतदारी से निभाने के पाबंद भी होते हैं। जब मियां बीवी एक दूसरे के हुकूक और फराइज बखूबी अदा करते हैं तभी एक सेहतमंद और बाशऊर नस्ल परवान चढ़ती है, वरना माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ बहुत से मसाइल का हल शादीशुदा जिंदगी है, मगर यह भी सच्चाई है कि हर मसले का हल शादी नहीं है। सिर्फ बेटे नहीं, बेटियों के मामले में भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन यानी माँ बाप की सोच यही है कि बेटियां जल्द अज जल्द उनके घर चले जाए, ससुराल चले जाए, अपना घर बसा ले। और उनकी ये सोच गलत भी नहीं है, मगर वो वालिदैन जिनकी बेटियों में कोई मसला है, कोई ऐब है, कोई नफ्सियाती या जहनी कुछ मसाइल है, या फिर किसी और वजह से, किसी और रीजन की बिना पर उन लड़कियों में कुछ कमियां हैं, तो अक्सर ऐसे वालिदैन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेटियों की शादियां हो जाए। उनके रिश्तेदार भी उनको यही मशवरा देते हैं कि बेटी की शादी कर दो, शादी के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी दोनों तरफ से दोनों लोग ये चाहते हैं कि अपनी मुसीबत दूसरे के गले में डाल दे। लड़के वाले भी ऐसे ही जिन लड़कों में कमी होती है, और लड़की वालों की तरफ से भी जब उनमें कुछ कमी होती है तो वो चाहते हैं कि जल्दी से ये मुसीबत एक दूसरे के गले में डाल दें। हालांकि ऐसा करने से
इन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। अगर किसी लड़के लड़की के साथ कोई नफ्सियाती मसला है या कोई प्रॉब्लम है या फिर वो लड़की या फिर वो लड़का शादी जैसी गंभीर जिम्मेदारी को उठाने की ताकत उसके अंदर नहीं है या फिर वो शादी करने से डर रहा है या डर रही है या यूं कह ले कि वो बचकाना जहन की मालिक है, इन्हें अभी बच्ची है, तो ऐसी सूरत में अक्सर वालिदैन इन्हें अक्सर माँ बाप को शादी ही वाहिद हल दिखाई देता है। फिर होता यूं है कि वो लड़की या लड़का अचानक उसकी जिंदगी में आने वाली इतनी बड़ी तब्दीली को कबूल नहीं कर पाते और फिर कुछ ही दिनों में सब छोड़ छाड़ कर वो वापिस अपने माँ बाप के घर पर आ जाती है। तकमीली तलबीना, ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15,000 से 25,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। फिर उस लड़की के जहन पर तलाक बोल दो या खुला बोल दो, जो भी उसके साथ हो जाता है, उसके दिमाग पर इंतहाई नेगेटिव असरात, मनफी असरात मुरतब हो जाते हैं। जिंदगी को जहनी तौर पर फिर वो कबूल नहीं कर पाती और खुद के साथ साथ वो पूरे खानदान की जिंदगी को बेसुकून कर देती है। और आपने ये भी देखा होगा, ज्यादातर लड़कों के वालिदैन का, माँ बाप का ये अमल होता है कि अगर लड़का आला तालीम हासिल करने के लिए या काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा हो तो माँ बाप इस डर से कि कहीं वो किसी बाहर किसी गोरी से शादी ना कर ले, इसलिए जबरदस्ती उसका निकाह पढ़वा दिया जाता है। ये हकीकत है कि शादी हमारे माशरे में बहुत से मसाइल का हल है, मगर कुछ मामलात इतने गंभीर और अलग किस्म के होते हैं जहां शादी का बंधन गले का फंदा बन जाता है। जबकि यह भी कहा जाता है कि शादी करना बहुत आसान है मगर उसे निभाना बेहद मुश्किल, और ये बात लड़की और लड़के के माँ बाप और वालिदैन अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी ये काम करते हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं या फिर यही समझाना चाहता हूं कि ऐसे लड़की के, ऐसे बेटी के वालिदैन यानी माँ बाप जिनकी बेटी के जहनी तौर पर यानी वो तैयार नहीं है या कोई मसला उसके साथ में है, तो उसकी शादी करके या जल्दी शादी करके उस पर जुल्म मत कीजिए, बल्कि उसे खुशगवार दोस्ताना माहौल देकर उसके रीजन मालूम करने की कोशिश कीजिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से आपकी औलाद किसी मेंटली कश्मकश में या मेंटली प्रॉब्लम या फिर नफ्सियाती कश्मकश में मुब्तिला हो गई है। उसे वक्त दीजिए, उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश कीजिए, बस लाल जोड़ा पहनाकर उसको शादी के मंडप में मत बिठा दीजिए और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए, इससे जान नहीं छुड़ेगी बल्कि और मसाइल खड़े हो जाएंगे। अगर आपकी बेटी शादीशुदा जिंदगी के तकाजों से डर रही है या शादी के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है, मना कर रही है, तो उसके साथ हरगिज जबरदस्ती मत कीजिए, बल्कि उसे अपने ताउन का, अपने सपोर्ट का यकीन दिलाइए और आहिस्ता आहिस्ता उसे शादी की अहमियत, उसके फायदे गाहे बगाहे उसको बताते रहिए। घर के बुजुर्ग जो खवातीन हैं, नाना नानी है ना, दादा दादी, खाला खालू या फुप्पू फुप्पी वगैरह, ताया ताई वगैरह, पुर असर अंदाज में लड़की को शादी करने पर राजी करें, मगर उसके साथ साथ उसको उसकी जिम्मेदारियां और उसके फराइज से भी आगाह करते रहें और साथ साथ यानी जहनी उलझनों को भी उसके दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर इन तमाम कामों पर गौर खोज करने के बाद अगर लड़की शादी के लिए तैयार हो जाती है, खुद से हाँ कहती है, तब उसको शादी के बंधन में बांधे तो यकीनन बहुत से मसाइल और बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। वरना वही होगा जो आपने पहले ऑडियो में सुना, और यही हो रहा है। पहले ऐसे 5-5, 10-10, 15-15 साल के बाद तलाक और खुला के मसले सामने आते थे, लेकिन 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 1-1 महीने, 4-4 दिन के तलाक के मामले मेरे सामने हैं, जो अभी गई है लड़की लेकिन 8 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में तलाक और खुला लेकर वापस आ रही है, तो ये बहुत खतरनाक चीज है।
जबरदस्ती मत कीजिए। जब तक आपके लड़का या लड़की जब तक यानी फिजिकली भी और मेंटली भी जिस्मानी और जहनी तौर पर वो तैयार ना हो और उनमें कोई ऐब ना हो और कभी भी अपने बच्चों के ऐब छुपाकर आप शादी ना करें। ऐसे भी बहुत सारे मसले हैं कि बाद में ऐब का पता चलता है और बात तलाक और खुला तक पहुंच जाती है। तो बच्चों की शादियां कराना जान छुड़ाने के लिए मत करो, बल्कि उस जान पर जुल्म ना हो, यानी अपनी जो बेटी है अपनी जान होती है, हर बाप की जान होती है, उस जान पर जुल्म ना हो और आगे चल के कोई मसला ना आए, इस बात की भी कोशिश करते रहिए। ठीक है, आज की वीडियो जरा लंबी हो गई क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था, इसलिए आपको समझाने में ज्यादा वक्त चला गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आगे शेयर जरूर करें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जीएस हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज, अद्वियात की तिजारत करने वाले हजरात एक मरतबा हमसे जरूर रब्ता करें। तिजारत करने वालों की हम पूरी ट्रेनिंग करते हैं। उलमा इकराम, हफाज इकराम, नीज डॉक्टर हजरात के लिए खुसूसी रियायत। हमारी अद्वियात की तिजारत करके आप हर महीने काफ़ी रुपया कमा सकते हैं। अभी रब्ता करें 8055282873833।